नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। धुले महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत करते हुए महाराष्ट्र के लोगों से आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब भी मैंने कुछ मांगा, महाराष्ट्र के लोगों ने हमेशा दिल खोल कर आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी ने वादा किया कि आगामी 2.5 साल में विकास की गति को और तेज किया जाएगा और अगले 5 साल में इससे भी ज्यादा विकास होगा। उन्होंने महायुति के सभी उम्मीदवारों से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि मैं आज महाराष्ट्र में धुले से विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत कर रहा हूं और मुझे मेरे महायुति के उम्मीदवारों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि उनकी सरकार हमेशा महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। धुले की यह धरती और महाराष्ट्र से मेरा अपनापन आप सब भलीभांति जानते हैं। महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा है, महाराष्ट्र के लोगों ने दिल खोलकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। ২০১৪ के विधानसभा चुनाव में मैं आपके बीच धुले आया था। मैंने आपसे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के लिए आग्रह किया था। आपने महाराष्ट्र में 15 साल के सियासी कुचक्र को तोड़कर बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी और आज एक बार फिर मैं धुले की धरती पर आया हूं। धुले से ही मैं महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। आपका ये प्यार, ये अपार जन समर्थन, ये जन समूह, जितने लोग पंडाल में है उससे ज्यादा फेडरल के बाहर है, उधर तो उनको पर्दे भी खोल देने पड़े। ये जन समूह, ये उत्साह, ये उमंग वाकई अभिभूत कर देता है। हम सभी को, भाजपा को, महायुति को, महायुति के एक एक उम्मीदवार को आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र के विकास को जो गति मिली है उसे रुकने नहीं दिया जाएगा। अगले 5 वर्ष महाराष्ट्र की प्रगति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है और उधर देखिए, महाअगाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं।
साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअगाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। आपने महाअगाड़ी वालों के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। इन लोगों ने पहले सरकार लूटी और फिर महाराष्ट्र के आप लोगों को भी लूटने में वो लग गए थे। इन लोगों ने मेट्रो परियोजनाओं को ठप कर दिया, वाढ़वण पोर्ट के काम में अड़ंगा लगा दिया, समृद्धि महामार्ग बनने में रुकावटें पैदा की। अगाड़ी वालों ने हर उस योजना पर रोक लगा दी जिसे महाराष्ट्र के लोगों का भविष्य निश्चित उज्जवल होने वाला था। साथियों, ये हालत तब बदले जब आपके आशीर्वाद से यहां महायुति की सरकार बनी। महायुति के 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र ने विकास के नए रिकॉर्ड बनाए। शिंदे जी की कमान में 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र को उसका गौरव वापस मिला है, विकास का भरोसा वापस मिला है। महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। देखा जाए तो इन दिनों महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान से महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है और अब हर किसी की नजर इस पर होगी कि उनका ये वादा किस हद तक सच साबित होगा और महाराष्ट्र की जनता क्या वाकई पीएम मोदी को फिर से आशीर्वाद देगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।